नॉर्मली काम कितना होता है, 8 आवर्स का काम होता है, देन आपका दिया हुआ है नॉर्मल रेट, नॉर्मल रेट पर आवर, हाउ मच इट इज, नॉर्मल रेट पर आवर इज 50, वर्कर एक घंटा काम करेगा उसको 50 रुपया मिलेगा, एंड सम डिफरेंशियल रेट इज गिवन रिगार्डिंग ओवर टाइम, यू कैन सी दैट अप टू 9 आवर्स पर डे सिंगल रेट, बियॉन्ड 9 आवर्स अ डबल, अ डे डबल रेट, मतलब नॉर्मली आपको जितना पेमेंट पर आवर का मिलता रहेगा, अगर मैं डे वाइज में फॉर एग्जाम्पल 9 आवर्स तक काम किया तो पर आवर का कितना मिलेगा, 50 रुपीज मिलेगा, बट 9 आवर्स के बियॉन्ड काम किया, इफ यू आर वर्किंग बियॉन्ड 9 आवर्स देन वी विल गेट डबल रेट, दैट इज 100 रुपीज पर आवर. सो दैट्स इट, वी नीड टू कैलकुलेट टोटल अर्निंग. सो स्टेटमेंट शोइंग, दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 10. टोटल अर्निंग अपने को बताने का है, स्टेटमेंट शोइंग टोटल अर्निंग. ओके, इसमें फाइन, इट इज नॉट इन दिस वे. फर्स्ट वी विल राइट डेज. इफ आई टॉक अबाउट डेज देन after days how many hours we have worked, that is hours work, then usme se normal hours kitne the, second overtime hours kitna tha, ओवर टाइम आवर्स टू पार्ट में डिवाइडेड रहेगा, अप टू 9 आवर्स क्या होता है सिंगल रेट, बियॉन्ड 9 आवर्स डबल रेट होता है, तो उसके दो पार्ट कर देते हैं. नाउ डेज यू विल से मंडे, ट्यूसडे, देन Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Okay. Now, data is given as on Monday we are working for 10 hours. On Tuesday it is for 9 hours. On Wednesday 8 hours. 12. 9, 4. Normal working hours for company is 8 hours. Suppose worker is working for 10 hours in a day. So we can say that out of 10 hours, 8 hours are my normal hours. और उसके ऊपर उसने कितना काम किया है 2 hours के लिए. He is working 2 hours extra. And last line of the question says that overtime rate up to 9 hours per day single rate. मतलब अगर worker 10 hours के लिए काम कर रहा है तो up to 9 hours he will get paid at single rate, और उसके बाद जो काम किया है उसके लिए उसको डबल रेट मिलेगा. तो 10 आवर्स में से 8 आवर्स नॉर्मल आवर्स, 1 आवर एक्स्ट्रा आपने काम किया, ये ओवर टाइम है बट इसका सिंगल रेट ही मिलेगा, 9 आवर्स तक सिंगल रेट है, उसके ऊपर कितना आवर्स आपने काम किया एक्स्ट्रा, 1 आवर, टोटल 10 आवर्स है. बाइफरकेशन क्या होगा, 10 आवर्स में से जो पहले 9 आवर्स है ना ये सिंगल रेट से जाएगा, 9 आवर्स के बियॉन्ड जो है 1 आवर उसके लिए डबल रेट, मतलब 100 रुपीज मिलेगा. नाउ इफ आई टॉक अबाउट दिस 9, 8 आवर्स नॉर्मल है, उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा काम इधर किया है, 8 आवर्स इधर नॉर्मल है, 12 आवर्स में से 8 आवर्स नॉर्मल आवर्स, टोटल एक्स्ट्रा काम कितना किया है 4 आवर्स के लिए, बट जो पहला आवर है उसके लिए नॉर्मल रेट मिलने वाला है अप टू 9 आवर्स इसीलिए, बट बियॉन्ड दिस कितना गया आपका 3 आवर्स, जिसके लिए डबल रेट मिलेगा. अगेन दिस इज सेम, 8 आवर्स 1 आवर्स. On Saturday,
worker has worked only for 4 hours, तो normally आपने खाली कितना काम किया, 4 hours का काम किया, और वो 4 hours में ही आ जाएगा, overtime तो कुछ किया ही नहीं है आपने. Now you will find out कि आपके total hours कितने हैं. Total hours, if you take the total, that comes to 44. Over here it is 4, 4. Then into rate per hour, you will get total wages. Rate per hour over here is 50 up to 9 hours. Beyond 9 hours it is 100. So 50 into 44 is 2200. बट ओवर हियर यहाँ पे कितना पे होगा 400. दीस आर माई टोटल वेजेस. टोटल वेजेस नेट अगर मुझे बोलना रहेगा तो सबका टोटल कर दूंगा. 2200 प्लस 200 प्लस 400, दैट इज 2800 रुपीज इज माई फाइनल आंसर. सो अगेन दिस वॉज बिट ईजी. क्वेश्चन नंबर 10, जस्ट जॉट दिस डाउन. Question number 11. From the following data, prepare a statement showing cost per day of 8 hours of engaging particular type of labor. तो एक लेबर को हम लोग ने रखा हुआ है और हम लोग को निकालने का है कि उसको 8 hours के लिए पेमेंट कितना होगा. 8 hours वो एक दिन में काम करता है, उसका पेमेंट. First thing given is material salary, sorry, monthly salary, basic plus DNS allowance. मंथली ही इज गेटिंग पेड एट द रेट ऑफ रुपीज 200, उसको 200 रुपया मिल रहा है. लीव सैलरी पेएबल टू द वर्कमैन इज 5% ऑफ सैलरी. इसका मतलब उसको कुछ छुट्टियां दी जाती है और अगर वो उस दिन वो छुट्टियां नहीं लेता है, अवेल करता है, तो ही इज गेटिंग पेड फॉर दैट मैटर. उन्होंने कितना बोला है, कितना मिलेगा, 5%. देन एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड इज 8% ऑफ सैलरी. वॉट एवर सैलरी जो उसका है और ब्रैकेट में इट इज गिवन आइटम ए एंड बी, तो दोनों का टोटल करके दैट इज योर सैलरी प्लस योर लीव सैलरी. टोटल उसका जो होगा उसका 8% दैट विल बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई योर एम्प्लॉयर. देन अनदर कॉन्ट्रीब्यूशन इज टू स्टेट इंश्योरेंस, दैट इज एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्टेट इंश्योरेंस. इट इज 2.5% ऑफ सैलरी. देन एक्सपेंडिचर ऑन एमिनिटीज 17.95 पर हेड पर मंथ. हर एक एम्प्लॉय को एक महीने का 17.95 रुपीज़ मिलता है. एंड नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स इन अ मंथ इज इक्वल टू 200 आवर्स. पूरे महीने में 200 आवर्स का काम होता है. सो नाउ वी नीड टू कैलकुलेट टोटल कॉस्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू कैलकुलेट खर्चा कितना हो रहा है. तो स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट पहले वो निकाल देते हैं. Question number 11. Statement showing total cost. फर्स्ट कॉस्ट विच इज़ गिवन इज मंथली सैलरी. तो ठीक है, फर्स्ट पार्ट इज योर मंथली सैलरी. अमाउंटिंग टू रुपीज 200. देन देयर इज वन अनदर पेमेंट एंड दैट इज योर लीव सैलरी. And it is mentioned in the question, that is how much, it is 5% of salary, that is 5% of your 200 rupees.
So we will say 200 into 5%, that comes to 10. Then employer's contribution, employer is contributing to provident fund. Employer's contribution to PF, and it is specifically stated that it is 8% of salary, that is salary and leave salary. So what you will do is 200 plus 100, A plus B, and uska 8%. This is employer's contribution. That comes to 16.8. Then part D, employer's contribution to state insurance. And that amounts to 2.5% of salary. 200 plus 100, 200 plus 10, uska 2.5%, that is 2.5%. Expenditure on amenities, it is directly given 17.95. Amounting to rupees 17.95. This is your total monthly cost. 200 plus 100, 16.8 plus 5.25 plus 17.95, coming to rupees 250. And what is the requirement? If you read first line again, you will come to know that what they are asking for. From the following data, prepare a statement showing cost per day. So the total cost to nikal gaya hai, but this is not the final requirement. There is one more thing. What they are asking for is month cost per day. Matlab ek din ka kharcha kitna hoga? Ye mera ek mahine ka kharcha hai. To abhi aapko find out karna padega ki number of days kitna hai. Uske hisab se aapka answer aa jayega. Agar main divide karta hu to abhi days hum log nikalenge. Number of days divided by number of days, usse aapko per day ka kharcha mil jayega. Question mein it is given that one day hours, एक दिन में 8 आवर्स होता है एंड पूरे मंथ में इफ यू आर वर्किंग फॉर 200 आवर्स इन वन डे देर आर 8 आवर्स इफ इन अ मंथ कंपनी वर्क्स फॉर 200 आवर देन देर आर हाउ मेनी डेज सो विल क्रॉस मल्टीप्लाई 200 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 8 सो आंसर कम्स टू 25 नाउ आई विल सी दैट माय टोटल मंथली कॉस्ट इज 250 रुपीस and there are 25 days in a month. So per day, what I am incurring is nothing but 10 rupees per day. Per day 10 rupees, so for 25 it is 250 rupees. So this is total cost per day, which is my final answer. Okay. Question number 12. A, an employee of XYZ company, gets the following emoluments and benefit. Usko kya kya cheeze mil rahi hai company se, that is given. First hai aapka salary, that amounts to 2500 per month. Ek mahine ka 2500, theek hai. Second, DNS allowances 5250, theek hai. Then employer's contribution to provident fund, which is 8% of salary and DA. Then ESI, that is 4% of salary and DA. Bonus is 20% of salary and DA. And other allowances 27250 per annum. A worker
ए वर्क्स फॉर 2400 आवर्स पर एनम, वो 2400 आवर्स के लिए काम करता है, आउट ऑफ विच 400 आवर्स आर नॉन प्रोडक्टिव बट ट्रीटेड एज नॉर्मल आइडल टाइम. नॉर्मल आइडल टाइम क्या होता है? अगर मैं बोलता हूँ 12 से लेके 8 बजे तक कंपनी चालू रहता है तो इसको बोलेंगे 8 आवर्स कंपनी काम करता है. अगर वर्कर आएगा 12 बजे और 8 बजे जाएगा तो 8 आवर्स का काम होता है. बट क्या एक्चुअली में वर्कर 8 आवर्स के लिए काम करता है? नहीं. बीच में 15 मिनट्स का चाय पीने के लिए ब्रेक, लंच करने के लिए ब्रेक रहेगा, फिर शाम को चाय पीने के लिए ब्रेक. तो वो जो टी ब्रेक है, लंच ब्रेक है, उसमें तो काम नहीं होता. मतलब अगर 8 आवर्स के लिए आता है वर्कर, सो ही कैन वर्क फॉर 7 आवर्स एंड 30 मिनट्स और कैन से 7 आवर्स. सो जो बीच में एक टाइम गैप है, that gap is known as your normal idle time. Idle time is that time जहाँ पे worker idle मतलब खाली बैठा था, उसने काम नहीं किया. तो it is given कि worker ने खाली 2000 hours के लिए काम किया है. How come? 2400 total hours out of which he hasn't worked for 400 hours. It means net hours worked is 2000. You are requested to find out effective hourly cost of A. ए के हम लोग पर आर का कितना पे करते हैं वो हमको फाइंड आउट करना है. प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग ने क्या किया था? पर डे का कॉस्ट निकाला था. अभी पर आर निकालना है तो डिवाइड बाय किससे करना पड़ेगा? आर्स करना पड़ेगा. सबसे पहले एक टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं. द थिंग इज क्वेश्चन में जो आर्स का डेटा है वो पर एनम में दिया है, तो आपको खर्चा भी किसका चाहिए? पर एनम. वॉट यू विल से कि एक साल में कितना खर्चा हुआ डिवाइडेड बाई एक साल में कितने आर्स का काम हुआ, वो कर दोगे तो आपको पर आर का रेट मिल जाएगा. क्वेश्चन नंबर 12 वी आर गोइंग टू सॉल्व, जिसके अंदर सबसे पहले मेरा काम है कॉस्ट निकालना. आई विल डायरेक्टली से दैट दिस इज स्टेटमेंट. शोइंग कॉस्ट पर आर. पर्टिकुलर्स अमाउंट. फर्स्ट थिंग व्हाट वी आर पेइंग इज सैलरी. So we will say A, salary, and that amounts to 2500 per month. But data hours ka hai, to pura hum log annual basis pe hi karenge. 2500 per month, it means per annum it will be 30,000. Then if I talk about another expense, that is DNS allowance, and it is given that it is 5250 per month. 5250 for 12 months it will be 63,000. Then your employees' contribution to PF and ESI. So first, employer's contribution, it's employer's contribution to PF, which is 8% of what? 8% of 30,000 plus 63,000. तो कितना आ जाएगा? 30 प्लस 63 इंटू 8% दैट कम्स टू 7440. देन यूर अनदर कॉस्ट एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू ESI विच इज 4%. एम्प्लॉयर्स अगेन ओवर हियर कॉन्ट्रीब्यूशन टू, तो कॉन्ट्रीब्यूशन टू ESI, which is 8% of, directly I can say 93,000. That is total of this.
and it's not 8%, it is given as 4%. That is 3720. Then your E part bonus. And your bonus amount is 27250 per annum. No, it's 20% of the earnest and year. Okay. So bonus is 20% of what again? Salary plus DA, which is nothing but 93,000. That comes to 18600. Then F, that is other allowances. And it is 27250. You will get your total cost, and if you divide this cost by number of hours, so you will get rate per hour. Number of hours will be 2400 ka kaam hota hai pure saal mein, usme se 400 hours ka kaam nahi hota because idle hours hota hai wo. So 30,000 plus 63 plus 7440 plus 3720 plus 18600 plus 27250. Answer comes to 75.005. This is cost per hour. So this is your question number 12. Just copy this down. Okay guys, so we are done with labor costing chapter. After this, last chapter of costing, that is overheads. Thank you.